तो गाइज आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉक विद दीप भाई चेतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज में फिर से स्वागत है। कीप इन्वेस्टिंग कीप ग्रोइंग। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशंस के बारे में भी पता लगता रहेगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जो लिंक है टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन आप हमसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो उसका जो जवाब है वो हम आपको तुरंत यहाँ पर दे देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के बाज़ार की। अगर हम आज के बाज़ार की बात करते हैं तो देखिए आज एक गिरावट हमें यहाँ पे आज के बाज़ार में आते हुए देखने को मिली है। और देखिए अगर हम मॉर्निंग से बात करते हैं तो देखिए पहले जो है निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 16,578 के आसपास, और हाई जो हाई बना है निफ्टी का वो बनाया था निफ्टी ने 16,690 का, और 16,695 का कल हाई बनाया था। और कल भी मैंने देखिए पूरा का पूरा क्लियर बोला था कि भाई देखिए 100-200 पॉइंट की अगर मान के चलो कल के ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो वो आना लाजमी भी है, और आज सेम एज इट इज़ होते हुए दिखाई दिया है। लो की बात करते हैं तो लो 16,521 का बनाया है, और देखिए जैसी ओपनिंग हुई ना, ओपनिंग होने के बाद निफ्टी ने जो है थोड़ा सा बाउंस बैक करना स्टार्ट किया है। लास्ट तक भी बाउंस बैक किया लेकिन अचानक लास्ट के टाइम में, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 2 बजे के बाद की बात करते हैं तो 2 बजे के बाद एक शार्प गिरावट हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिली है। और अगर इस गिरावट की बात करते हैं तो पॉइंट वाइज देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं जो गिरावट है ना लगभग 100 पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ना ये चलती रहेंगी, और इसके पीछे की जो वजह है ना वो ग्लोबल मार्केट भी है। कुछ डाउ जोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग हुई है वो प्लस होते हुए दिखाई दी है। S&P नैसडेक ये सब की जो क्लोजिंग है ना वो प्लस में होते हुए दिखाई दी है, लेकिन जैसे आज की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव हमें टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई दिया था दिन के सेशन में। तो देखिए उसी का जो असर है आज निफ्टी के ऊपर आपको आते हुए दिखाई दिया है। निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं 100-150, 100-125 पॉइंट की जो है हमें होते हुए दिखाई दी है। वहीं देखिए अगर हम बात करते हैं बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी की, तो देखिए क्लियर कई बार मैंने ये बोला था कि भाई जो मार्केट है ना 16,400 तक पहले जो लेवल था ये था कि भाई 16,400 का जो लेवल है ये क्रॉस करने वाली है नहीं, और जैसे ही 16,400 का जो लेवल क्रॉस किया तो 16,700 ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जाते हुए हमें निफ्टी दिखाई दिए। वहीं देखिए 15,000 के जब आसपास निफ्टी ट्रेड करती थी 15,700 के आसपास, यानी कि यहां से 1,000 पॉइंट नीचे, तब मैंने देखिए क्लियर बोला था कि यहां पे आपको बाय ऑन डिप करना है। बिल्कुल जो भी शेयर मिले वो आपको खरीदना, गुड क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए, अच्छे खासे फंडामेंटल होने चाहिए, तो उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। वहीं देखिए मैं आपको क्लियर यहाँ पे दिखा देता हूँ अदानी पावर की अगर बात करते हैं तो देखिए कई बार अदानी पावर और अदानी विलमार के ऊपर देखिए कई बार बुलिश होकर हमने ये राय दी थी कि भाई इन दोनों शेयर्स को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और उस टाइम देखिए 280 के आसपास जो है शेयर ट्रेड करता था 280 के आसपास, और वहाँ बिल्कुल बोला था कि भाई मौका, ये जो मौका मिल रहा है ना अभी बिल्कुल चूक मत जाना, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ मिलने वाला है। अगर आप मार्केट के अंदर थोड़ा सा 10-12 दिन 15 दिन का अगर थोड़ा सा टाइम देते हैं मार्केट को और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तो वहाँ अच्छा मौका भी आपको कमाने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ अदानी पावर के प्राइसेस की तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 280 के आसपास जो है 17 मई के आसपास जो है हमने ये शेयर रिकमेंड किया था कि भाई यहाँ पे आपको बिल्कुल बाय करके चलना है। देखिए 250 रुपीज़ का बहुत ही अहम सपोर्ट इसमें बना हुआ है अभी भी। देखिए चाहे शेयर कितने ही ऊपर चला जाए, कितनी मार्केट के अंदर गिरावट आ जाए, 250 का जो लेवल है ना वो बिल्कुल भी ब्रेक होने वाला है नहीं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक क्लियर राय दी थी कि यहाँ पे आपको इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है जितना आप कर सको, और ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड ये चीज़ें कही थी कि भाई 300 रुपये का जो लेवल है ना जैसे ही यहाँ पे शेयर सस्टेन करके और ऊपर की तरफ जाता है तो देखिए कम से कम 20 पॉइंट की रैली आप कंसीडर करके चल सकते हैं, 20 पॉइंट और मिलेंगे, यानी कि टोटल पॉइंट की बात कर लेते हैं तो 40 पॉइंट 280 से 320 तक 40 पॉइंट के लिए बिल्कुल ये शेयर लेने के लिए बोल दिया था। और वहाँ से अगर मैं तेज़ी की बात करूँ
280 से देखिए, पहले ये शेयर 300 का लेवल टच किया, 300 का लेवल टच करने के बाद उसके बाद फिर दोबारा जो है एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला लगभग 340 का, यानी कि 320 का हमने बोला था, 340 का यहाँ पे शेयर ने टच किया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए कितने पॉइंट मिलते हैं आपको, लगभग 60 पॉइंट। रिटर्न की बात करते हैं परसेंटेज वाइज तो 21% का रिटर्न कितने दिनों में, मात्र आपको 14-15 दिनों के अंदर, यानी कि 20% का रिटर्न आपको 14-15 दिनों के अंदर यहाँ मिल गया इस शेयर के अंदर। लेकिन अगर आज की बात करते हैं, आज देखिए अब एक प्रॉफिट बुकिंग भी इस शेयर के अंदर हमें आते हुए देखने को मिल चुकी है। देखिए आज की बात करते हैं तो 17 पॉइंट के साथ 5% की गिरावट इस शेयर के अंदर हमें देखने को मिली है। और देखिए ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है दोस्तों, 300 पॉइंट तक, ये आप ध्यान रखना। अगर मान के चलो ये भी लेवल टूटता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 280 की। और जैसे ही मान के चलो 280 रुपये जाता है तो देखिए बिल्कुल ऐड करना है आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर, बिल्कुल किसी तरह की झिझक होनी नहीं चाहिए। और देखिए 280 के जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है यहाँ पर। कि अगर बात करते हैं इंडिया मार्केट की तो देखिए इंडिया मार्केट एक विटनेस है कि शार्प 3 दिनों से लगातार हमें एक अच्छा खासा उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगातार 3 दिनों से। और देखिए जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन के अंदर भी थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ मानसून। जैसे जैसे मानसून आता जाएगा तो वैसे वैसे एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और उसी का असर अदानी पावर के ऊपर भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे जैसे मान के चलो जब भी पावर की जो गर्मियों की बात करते हैं तो देखिए समर के अंदर जो पावर की जो डिमांड है ना वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है, इवन दो कई बार पूरी भी नहीं पड़ पाती है। जब मॉनसून आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मॉनसून आता है तब जो है पावर की जो डिमांड है ना वो थोड़ी सी स्लो डाउन पड़ जाती है, तो उसी का सर आज आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए किसी तरह का कोई, ये हम कह नहीं सकते कि कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, थोड़ा बहुत जैसे शेयर ऊपर जा चुका है तो वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना भी लाजमी है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि भी मॉनसून आ जाएगा तो जो है कंपनी के प्रॉफिट्स बिल्कुल गिर जाएंगे या ऐसी कुछ हालत होने वाली है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो देखिए इस शेयर में जो भी जिन्होंने भी पोजीशन बना रखी है वो अपनी इंटैक्ट करके रखें। और बाकी देखिए किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।